हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि सब कोई बहुत ही आसानी से घर पर बना के खा सकता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये मिठाई बनके रेडी होता है और बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी है। तो चलिए, मैं कौन सी मिठाई आज बना रही हूँ आप लोग को मैं दिखाती हूँ और बहुत ही कम समय में बन के रेडी होता है। तो आज हम लोग बनाएंगे रावा या सूजी का लड्डू। तो पहले यहाँ पे देखिए, 4 से 5 टेबलस्पून घी यहाँ पे पहले कढ़ाई में गरम करके इसमें ऐड कर दी हूँ। और इसमें ना हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं काजू और किशमिश को फ्राई कर रही हूँ। तो हल्का सा इसको रोस्ट कर लेंगे मीडियम आंच में। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं लगता है ये लड्डू बनाने में, बस 15 से 20 मिनट में लड्डू बनके रेडी हो जाता है। तो देखिए, ये काजू और किशमिश बहुत अच्छा से फ्राई हो गया है। इसको प्लेट में निकाल देती हूँ मैं और उसी घी में ही हम लोग जो रावा है उसको इसमें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं एक कटोरा सूजी या रावा ले रही हूँ, आप किसी से भी नाप के ले सकते हैं। तो इसको ना धीमी आंच में ही इसको अच्छा से भुनेंगे, हाई आंच बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा सूजी जल जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा लड्डू नहीं बनेगा। तो धीरे धीरे इसको भुनते रहेंगे मीडियम आंच में, कंटिन्यूसली इस तरह से चलाते रहेंगे। जब इसमें हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा ना, तब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए, सूजी में एक थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ और इसके लिए हम लोग चाशनी बनाते हैं। तो जितना सूजी लिए थे ना, उतना ही यहाँ पे चीनी लेंगे। तो एक कटोरा सूजी लिए थे, तो एक कटोरा ही चीनी मैं यहाँ पे ले रही हूँ और थोड़ा सा पानी, एक कटोरा ही पानी ले रही हूँ। और पानी मतलब सूजी को, सॉरी चीनी को बहुत अच्छा से मेल्ट करेंगे। जब इसमें थोड़ा सा एक तार जैसे चिपचिपाहट आए, तब तक इसको, इसका जो चाशनी है तब तक इसको बॉईल करेंगे। तो देखिए, ये हमारा जो चाशनी है बनके रेडी हो गया है। और अभी इसमें सूजी को ऐड करके मिक्स करेंगे और अभी ना आंच को बिल्कुल इसको ऑफ कर देंगे। आंच ऑफ करके ही इसको सारे चीज़ मिलाएंगे। अभी ड्राई फ्रूट्स भी मिलाएंगे, आपके पास अगर सूखा हुआ या नारियल है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो देखिए, अभी ना एकदम लिक्विड जैसे लग रहा है, बाद में ये देखिए अच्छा से ड्राई हो गया है, जब ठंडा होते जाएगा और हल्का हल्का जब गर्म रहेगा ना, उसी टाइम ही हम लोग इसका लड्डू बनाएंगे, नहीं तो ज़्यादा टाइट हो जाएगा, लड्डू बनेगा ही नहीं। और आप इसमें जो इलायची का पाउडर है उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से ही हाथ में हल्का हल्का गर्म है, तो इस तरह से अब तो दबा दबा के इसका लड्डू बना के रेडी करेंगे। तो देखिए, एक कटोरा जो सूजी से कितना सारा लड्डू बन के रेडी हो गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, आप लोग ज़रूर इसको घर में बना के खाइएगा। तो देखिए कितना यम्मी लग रहा है। तो मेरे पास आज नारियल नहीं था, तो मैं नारियल नहीं ऐड की हूँ। तो देखिए, इतना सारा लड्डू बन के रेडी हो गया है और आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो आई होप आज का रेसिपी आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो घर में जरूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा।